यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है दुर्घटनाओं का एक्सप्रेसवे, जहां आज 3 दुर्घटनाएं एक्सप्रेसवे पर हुई। थाना राया क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे कटपड़ दिल्ली मुखर्जी नगर निवासी मुनीश अपनी पत्नी दिव्या के साथ वृंदावन स्विफ्ट कार से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए। यहां यमुना एक्सप्रेसवे राया कट पर तेज स्पीड के कारण कार पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना राया पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। कार पलटने के कारण एक्सप्रेसवे का मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं पुलिस कर्मियों ने क्रेन द्वारा कार को हटवाकर मार्ग को सुचारू रूप से चालू कराया। दूसरी घटना राया सीमा सटे थाना भवन क्षेत्र के नोएडा से आगरा की ओर जा रही आयसर कैंटर में अचानक चिंगारी उठने से आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आयसर कैंटर जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना राया पुलिस महावन थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसने आग को बमुश्किल काबू में किया, लेकिन जब तक आयसर कैंटर पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद चालक और परिचालक दोनों ही भाग गए। अभी तक पता नहीं चल सका है कि गाड़ी किस मालिक की है और कहां जाना है। तीसरी घटना महावन क्षेत्र में 2 कारों के आपस में टकरा जाने की है, जिसमें दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। गाजियाबाद निवासी राकेश अपने परिजनों के साथ आगरा जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर अचानक कुत्ता आ जाने के कारण उसे बचाने की कोशिश में पीछे से आ रही दूसरी कार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। कार में बैठे लोग मनोज और जमुना बाल बाल बचे। घटना की जानकारी पर थाना राया पुलिस और महावन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों कारों को क्रेन से हटवाया। अच्छा, मीडिया वाले अंकल, क्या नाम है आपका और ये क्या घटना हुई है? मैं राकेश तोमर हूं। हम लोग इधर से आ रहे थे, तो यहाँ पे ये एक्सीडेंट ऑलरेडी हुआ पड़ा था जिसमें आग लगी है। हमारे सामने क्योंकि भीड़ भाड़ थी, एक कुतिया अचानक आ गई, कुतिया है कुत्ता, वो अंदर घुस गया गाड़ी में। उसके चक्कर में जैसे स्पीड कम की पीछे वाली, तो इसमें कोई किसी की चोट वगैरह? चोट किसी को नहीं, कोई पीछे लगी ना वाली। केवल गाड़ी में नुकसान है? हाँ, गाड़ी नुकसान, दोनों गाड़ियों में नुकसान है, दोनों में है। क्या घटना हुई? हमारा गांव कारा भाई जी, हम यहाँ के रहने वाले हैं। अपने खेत का नाम हमारा सिद्धार्थ है। अपने खेत में हम चारा काटने के लिए आए थे, तो ये गाड़ी इस तरफ से आ रही थी, तो इस तरफ से गाड़ी ने पास में हाईवे से चिपट के हमारा खेत है, तो पीछे से धुआं चलने लगा, धुआं चलने लगा, तो एक आगे गाड़ी जा रही है, उसने उसको इशारा दिया कि आपकी गाड़ी में आग लग चुकी है। उसने गाड़ी को रोका, गाड़ी को रोका तो वैसे टेक पीछे का टायर फटा, आठ हुआ और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। आसपास के लोग इकट्ठे होने पर हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस न पहुंची, एक घंटे के बाद पुलिस आई, तो एक ताजा हाईवे पर चलती हुई गाड़ी पेड़ पौधों में पानी देने वाली, उससे आग बुझाने की गांव के लोगों ने प्रयास करा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझने के बाद आई। तो इसमें किसी की जनहानि तो नहीं हुई है? इसमें कोई जनहानि नहीं थी, सिर्फ 2 लोग थे। ड्राइवर का अभी पता नहीं है यहाँ पे है या नहीं है, तो तुरंत तड़के ही भाग गया था। कैसे हुई भैया? हमारा नाम सिद्धार्थ चौधरी है और हम यहीं राया कट के पास ही गांव पलुखनी के रहने वाले हैं। हम यहां पे सुबह देखने आए थे, यहां पे घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो एक गाड़ी सबूत राय दिल्ली की तरफ से आ रही थी और राय वाले कट पे मथुरा की तरफ उतरने के लिए उतर रही थी जाने के लिए। तभी अचानक से हमने देखा कि उसमें 2 बंदे बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक से पलट जाती है, उनको काफ़ी चोट भी आई है, गाड़ी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। Now. The RCMC Group is coming up with an educational institution, Elite New Generation International School at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.